मृत्यु के क्षण का अनुभव कैसा होता है? अब उसे अनुभव होता है कि वो एक सुरंगनुमा लंबी गुफा जो अंधकार में डूबी हुई है में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है और गुजरते समय विभिन्न प्रकार के संगीत की मधुर आवाज सुनाई देती है। उसके बाद वो अपने आप को भौतिक देह से अलग पाता है और एक विशेष प्रकार की स्वतंत्रता का अनुभव करता है। अब वो एक प्रत्यक्षदर्शी की तरह अपने मृत शरीर को देख सकता है। थोड़ी देर बाद वो हवा में तैरते तैरते बहुत दूर निकल जाता है। उसे इस बात का आभास होता है कि उसे अभी भी शरीर प्राप्त है और उसके स्वतंत्र विचरण में किसी प्रकार की भौतिक वस्तु बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। अब उसकी भेंट पहले से मृत पुराने परिचितों और संबंधियों से होती है और वो अब अपने सामने एक काफी बड़ा गोलाकार सुंदर उज्ज्वल प्रकाश देखता है, लेकिन उसमें किसी व्यक्ति की आकृति नहीं उभरती। लेकिन ऐसा लगता है कि फिर भी उसका एक विशेष परिचय है। उसे देखकर उस व्यक्ति की आत्मा स्नेह, प्रेम और अलौकिक सुख से भर उठती है। अब यह एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जो लौकिक जीवन और परलौकिक जीवन के बीच की सीमा रेखा है। लौकिक और परलौकिक दृष्टि से यह सीमा रेखा अपना महत्व रखती है। यदि सीमा के पार चला गया तो लौटकर आना असंभव है। सीमा रेखा पर पहुंचकर पुनः वापस लौटा जा सकता है। सीमा रेखा पर पहुंचकर व्यक्ति अपने आप में एक विशेष प्रकार के अलौकिक सुख का अनुभव करता है। उसे एक ऐसी शांति प्राप्त होती है जो लौकिक स्तर पर संभव नहीं। लेकिन जब उसे यह आभास होता है कि लौकिक जगत में लौटना ही होगा, तब वो बेचैन हो उठता है। सोचने लगता है, काश लौटना न होता तो कितना अच्छा होता, क्यों न वहीं रह जाए, क्योंकि ऐसे अद्भुत स्वर्गीय सुख की अनुभूति उसे कभी पहले प्राप्त नहीं हुई थी। किंतु कुछ क्षणों के बाद वह पाता है कि वो पुनः अपने पार्थिव शरीर में वापस लौट आया है। कहने की आवश्यकता नहीं, इस प्रकार के कई उदाहरण हमारे शोध संग्रह में हैं। अपने शोधकाल 1954 से 1965 ईस्वी में डॉक्टर शकुन मेकर, डॉक्टर एलिशावेथ, डॉक्टर स्टोमवर्ग जैसे आधुनिक चिकित्सकों के इससे संबंधित विचारों का गहराई से अध्ययन किया और अंत में पाया कि सभी इसके संबंध में शंकालु हैं। एक मत नहीं है। सन 1958 ईस्वी में मेरा साक्षात्कार अमेरिकी मनोचिकित्सक डॉक्टर हॉडवो से हुआ। 2 घंटे के विचार विमर्श से जो तथ्य सामने आया उसके अनुसार हो सकता है कि इन अनुभवों का आधार पर सेरिब्रल एनोक्सी हो, यानी मस्तिष्क को इस दौरान ऑक्सीजन न मिलने से उस व्यक्ति के मस्तिष्क में इस तरह के विचार उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन अब ये स्पष्ट रूप से दर्शाया जा चुका है कि बहुत से लोगों के अनुभव उस दौरान हुए जब उनके शरीर यानी मस्तिष्क सहित को कृत्रिम रूप से अथवा सामान्य रूप से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा था। सन 1960 ईस्वी में कलकत्ता में अपने किसी विशेष कार्य से आए हुए अमेरिका के महान वैज्ञानिक डॉक्टर स्टोमवर्ग से मेरी भेंट हुई। उनका कहना था कि संभव है अंतिम से क्षणों में मस्तिष्क से उत्प्रेरित असामान्य विद्युत तरंगे यानी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस भी इन अलौकिक अनुभवों का आधार हो। आश्चर्य की बात तो ये है शर्मा जी, डॉक्टर स्टोमवर्ग बोले, बहुत से ऐसे केसों में मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की विद्युत तरंगे नहीं पाई गई। आश्चर्य का एक ये भी विषय है कि आधे घंटे से 3 घंटे के समय तक भी ईसीजी मौन रहा। प्रायः इतने लंबे समय तक ईसीजी फ्लैट होने पर यह मान लिया जाता है कि अब वो व्यक्ति संसार में नहीं रहा। लेकिन ये व्यक्ति इतने लंबे समय तक क्लिनिकल तौर पर मृत रहने के बाद भी आश्चर्यजनक रूप से होश में आ गए और उन्होंने अपने अलौकिक अनुभवों को सुनाया। इसके संबंध में आपका क्या विचार है शर्मा जी? सिगार सुलगाते हुए डॉक्टर स्टोमवर्ग बोले, कॉफी पीने के बाद कप को टेबल पर रखते हुए मैंने उत्तर दिया, सर वास्तव में वे मरे ही नहीं थे। अरे क्या कहा आपने? चौंक पड़े डॉक्टर स्टोमवर्ग। इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। ऐसी अवस्था में शरीर से सूक्ष्म शरीर बाहर निकलकर सीमा रेखा तक पहुंचता है। आत्मा तो शरीर में ही रहती है और वह भी निष्क्रिय अवस्था में, लेकिन फिर भी अदृश्य रूप से उससे सूक्ष्म शरीर का संबंध बराबर बना रहता है एक ऐसे प्राण सूत्र से जिसे रजत रज्जु यानी सिल्वर कॉर्ड कहते हैं। जैसे ही सूक्ष्म शरीर सीमा रेखा पार करता है, उसी क्षण आत्मा उसमें प्रविष्ट हो जाती है और नए शरीर की प्राप्ति की आशा में आगे की यात्रा पर निकल पड़ती है। अभी तक इस प्राकृतिक रहस्यमय तथ्य की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान नहीं गया है। मेरी बात सुनकर वो महान वैज्ञानिक गालों पर हाथ रखकर न जाने क्या सोचने लगा। मैंने कॉफी का दूसरा कप मंगाया, फिर एक साथ हम दोनों पीने लगे। स्टोमवर्ग अभी भी मौन बने रहे, कॉफी पी चुके थे और अब सिर नीचा कर सिगार सुलगाने जा रहे थे और तभी बोले, क्या मिस्टर शर्मा तुमको आत्मा और सूक्ष्म शरीर का अनुभव है? अगर नहीं है तो फिर दावे के साथ ऐसा कैसे बोलता है? ये सुनकर मुस्करा दिया मैंने। फिर बोला, सर मैंने 2-4 किताबें पढ़कर ही शोध नहीं किया है, मेरा रिसर्च आत्माओं पर डिपेंड करता है। किताबों में लेखक का विचार होता है,
उसकी सोच और उसका अनुभव नहीं सर, आत्माएं सब कुछ ओरिजिनल बतलाती हैं। इसलिए मेरा शोध और रिसर्च ओरिजिनल है। मेरी बात सुनकर उंगलियों में फंसा सिगार गिर गया और स्टोन वर्क के मुंह से बेतहाशा निकल पड़ा, अरे क्या बोलते हो? हाँ सर, मैं सच बोलता हूँ, कई अच्छी किस्म की आत्माओं से मेरा संपर्क है। इतना ही नहीं, मैं भी मरकर जी उठा हूँ 3 घंटे के बाद। एक बार नहीं सर, 3-3 बार।